Welcome to Green English Cappy. This is Unit 3, Good Timber. Behtareen Lakdi. The tree that never had to fight for sun and sky and air and light. Woh darakht jisne kabhi suraj, asman, hawa aur roshni ke liye muqabla nahi kiya. But stood out in the open plain and always got its share of rain. Aur kule maidan mein akheli kadi rahi. और हमेशा सिर्फ अपने हिस्से के बारिश पर गुजारा किया. नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग. उसने कभी जंगल पर राज नहीं किया और एक आम चीज़ की तरह ज़िंदगी गुजारी और फिर मर गई. द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल टू गेन एंड फॉर्म हिज पेज ऑफ सॉइल हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर. वो इंसान जो मेहनत मशक्क़त नहीं करता ज़मीन के अपने हिस्से को हासिल करने के लिए, इसमें काश्तकारी करने के लिए, जिसने कभी अपना हिस्सा नहीं जीता सूरज आसमान रोशनी और हवा हासिल करने का. नेवर बिकेम अ मैनली मैन बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिकेन. वो कभी एक मुकम्मल मजबूत इंसान नहीं बन सका और इसी हालत में उसने ज़िंदगी गुजारी और इसी हालत में मर गया. Good timber does not grow with ease. The stronger wind, the stronger trees. मजबूत दरख्त आसानी से नहीं उगती. जितने ज़्यादा ताकतवर हवाएँ होंगी इतनी ही ज़्यादा ताकतवर दरख्त होंगे. The further sky, the greater length. The more the storm, the more the strength. जितना ऊँचा आसमान होगा इतना ज़्यादा दरख्त लंबाई तक जाएगा. जितने तेज़ तूफान आएंगे उतनी ज़्यादा दरख्त की क़ुव्वत बढ़ती जाएगी. By sun and cold, by rain and snow, in trees and men, good timbers grow. सूरज सर्दी बारिश और बर्फ़ की मदद से दरख्तों और इंसानों में अच्छी खसूसियात जन्म लेते हैं. Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both. और जहाँ पर जंगल ज़्यादा गुंजान होता है हमें वहाँ दोनों के सरदार मिल जाते हैं. एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स हुज ब्रोकन ब्रांचेस शो द स्कार्स ऑफ मेनी विंड्स एंड मच ऑफ स्ट्राइफ. दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ. और वो सितारों से गुफ्तगू करते हैं उनके टूटे हुए शाखों पर हवा के दाग और मुसलसल जदोजहद के निशान होते हैं और ये ज़िंदगी का एक आम कानून है. एक्सप्लेनेशन इन उर्दू. इस नज़म के पहले चंद मिसरों में स्पीकर हमें एक ख़ास दरख्त की ज़िंदगी के बारे में बताता है. पहले मिसरे से हमें पता चलता है कि यहाँ दरख्त से मुराद इंसान है. सबसे पहले जिस दरख्त का ज़िक्र वो करता है वो इस किस्म का दरख्त है जो कभी मेहनत व मशक्क़त या जद्दोजहद नहीं करता. इस लाइन से हमें पता चलता है कि इस किस्म के दरख्त को वो पसंद नहीं करता, मतलब हमारा स्पीकर. और दूसरी लाइन में वो हमें बताता है कि एक इंसान या दरख्त जो इतनी आसानी की ज़िंदगी गुजारता है वो कभी भी अपने ज़राए के बारे में नहीं सोचता. मतलब वो ये नहीं सोचता कि इसे क्या मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है और कैसे मिल रहा है, और बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारता है. उनके पास सब खुराक पानी हवा और रोशनी मौजूद होती है ज़िंदा रहने के लिए. और आखिरी दो मिसरों में स्पीकर हमें बताता है कि इस किस्म की ज़िंदगी का आखिरी नतीजा क्या होता है. इस किस्म की दरख्त कभी भी जंगल पर राज नहीं कर सकती और न ये कभी बड़ी मजबूत और ताकतवर दरख्त बन सकती है, बल्कि एक आम ज़िंदगी गुजार कर इसी हालत में मर जाती है. स्टैंजा नंबर 2. अगले लाइनों में स्पीकर इस दरख्त को उस शख्स से तशबीह देता है जो कभी भी एक मजबूत बहादुर शख्स नहीं बन सकता. इस शख्स ने भी कभी मेहनत से काम नहीं लिया और कभी अपने हिस्से की ज़मीन पर काश्तकारी नहीं की. जिस तरह इस दरख्त को ज़िंदगी गुजारने के तमाम अनासर दिए गए, बिल्कुल इसी तरह इस शख्स को भी इसका हिस्सा बग़ैर किसी मेहनत के दे दिया गया. और आखिरी दो लाइंस इंसान और दरख्त के माबेन मुशाबहत को और मजबूत बनाते हैं.
बग़ैर तरक्की के, बग़ैर कुछ हासिल किए उसने ज़िंदगी गुजारी और बिल्कुल इसी तरह वफात पाई। उसके सियासी, माशी और अखलाकी हैसियत में कभी बेहतरी नहीं आई क्योंकि उसने कभी इन चीज़ों से आगे जाने की कोशिश नहीं की। स्टैंजा नंबर 3। तीसरे मिसरों के इस बंद में हमें बताया गया है कि किस तरह अच्छी और मज़बूत लकड़ी हासिल की जा सकती है। वो दरख्त जिसने लंबी और कामयाब ज़िंदगी गुजारनी होती है वो आसानी से नहीं उगती। सारी उम्र इसका सामना तेज़ हवाओं, आसमान की वसत और मुख्तलिफ मौसमी मुश्किलात और कुदरती आफात से होता है। ये अपनी ज़िंदगी तूफ़ानों से लड़ने में और इंतहाई तेज़ धूप में, सर्दी में, बारिश और बर्फ़बारी में गुजारती है। इसके बरअक्स दूसरी किस्म की दरख्त कभी इन चीज़ों का मुकाबला नहीं करती। इस बंद के आखिरी लाइन में मज़बूत इंसान और बेहतरीन लकड़ी को यकजा करके बयान किया गया है और मतलब यह है कि ये दोनों एक चीज़ है। स्टैंजा नंबर 4। आखिरी 6 लाइनों में स्पीकर हमें इस माहौल के बारे में बताता है जिसमें ये शख्स और ये दरख्त रहते हैं। ये दोनों जंगल के गुंजान हिस्से में आबाद है और दोनों अपने अकसाम के सरदार है और इस काबिल है कि सितारों से बातें करें। इन दोनों यानी इस दरख्त और शख्स में ज़ख़म और टूटी हुई शाखों की निशान एक जैसे है, मतलब दोनों जो है मेहनत मशक्क़त के साथ आगे बढ़ते हुए आए हैं। इनकी ज़िंदगी की मुश्किलात एक आम कानून बन चुकी है जिससे इनकी पहचान होती है कि वो क्या है और कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं।